इसलिए मैं उधमपुर के चिड़ियाई ग्रां चा तो इतने लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं अज वो सुनने आए हैं अस कि जे हर इलाके थमां कई बार कॉल आती है कि बई साढ़े इलाके भी आओ इतने के लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है और यह उधमपुर का एक बड़ा ही मेन इलाका है और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। अज मैं भी इतने आया तो तुम लोकेशन देखिए बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। इतने टूरिज्म के हिसाब करने भी अगर अच्छा टूरिज्म सैट किया जाए तो भी इतने लोग आई सकते हैं, लेकिन फिर उही गल है साढ़े जम्मू डिवीजन के कई सारे जिले न जोड़े अज धोड़ी दरअंदाज किए जाते हैं। तो मैं तो हूँ नवी डीसी मैडम आए दिन उन्हें भी अपील करगा कि एक बार इस इलाके आओ तो देखो इतने के प्रॉब्लम है तो लोगों की के प्रॉब्लम। अज मैं इन लोगों कन्ने ही गल कर लगा। सर तुम्हारा नाँ क्या है? मेरा नाँ चन्ने राम है, मैं रिटायर्ड ZDO एजुकेशन डिपार्टमेंट चा। सर सवाल पहले मैं थोड़ा पूरा मीडिया का शुक्रिया अदा करना बाबा ब्रह्मचारी के इस दरबार में जिथे मंदिर है। मैं सारे को पहले ये आखों कि जियां तुसें आख्या भी है कि इलाका साड़ा बड़ा खूबसूरत है और मई 8 मई 2014 च इस जड़ा ये कंपलैक्स है इसका उद्घाटन किया हा प्रवेश दीवान साहब ने। उन्दे कन्ने सुजन्य कुमार शर्मा जी डायरेक्टर टूरिज्म भी आए दे हे ते उस वेले उन्हें आख्या कि इत्थे कोई 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जड़ा वो सैंक्शन किया असें तो अस बड़े खुश होए। उसके बाद इमीजिएटली काम भी लगी आ ते कोई 1.5-2 साल काम लगा रहा। जड़ा तुस दिखा दे आले दुआले जिहड़ियां बौलियां बनिया ये बनिया लेकिन कोई 80 लाख रुपया लग्या उसके बाद जड़ा प्रोजेक्ट बंद हुई है। हूँ अस ये चाहते हाँ कि 5-6 साल होइए बंद होए दे अस चाहते कि दोबारा ये जड़ा प्रोजेक्ट है जेडे पैसे ये ना दे सैंक्शन हो दे आन दोबारा सैंक्शन होन और ये काम जड़ा दोबारा शुरू है तो इसी इलाके ये जड़ा कंपलैक्स है इसी डिवेलप किया जा ते अस बड़े शुक्रगुजार हाँ। अस थोड़ा थ्रू DC मैडम की भी रिक्वेस्ट करगे। कन्ने गै इत्थे स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल चिड़ियाई ये कन्ने गै इत्थे बिल्डिंग की बड़ी प्रॉब्लम है तो काफ़ी देर होई इत्थे 10+2 है। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कमरे किन्ने को 4 कमरे फंक्शनल ने सारे अस ये चाहने कि जेड़ा 8th तक जेड़ा साड़ा बच्चे न वो कन्ने गै 8th तक स्कूल थल्ले 2 स्कूल कन्ने एडजॉइनिंग है सड़क के थल्ले दूआ स्कूल है मिडल क्लासा जड़ियाँ उत्थे शिफ्ट हो जान ताकि बाकी आलियाँ क्लासा जड़ियाँ उत्थे अच्छी तरह ने बेही सकन। एक तो ये साड़ी डिमांड है। दूआ जड़ी बिल्डिंग है वो जल्दी कोला जल्दी जड़ी बिल्डिंग का काम जड़ा शुरू किया जा। सर त्री जड़ी प्रॉब्लम है साड़ी बड़ी मेन प्रॉब्लम जड़ी एक वो है डिस्पेंसरी आली। डिस्पेंसरी इत्थे जड़ी है कोई 12 साल कोला डिफंक्ट है। वो जड़ी बिल्डिंग है वो किन्ने गाली है तुसें जेकर तुस चलदे हो तुसें दिखी लैयो वो अनसेफ डिकलेयर की डिपार्टमेंट PWD आले। उसके बाद जेड़े जेड़ी डिस्पेंसरी है उसी शिफ्ट किया गया एक लोकल 2 कमरे ले दे उत्थे कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होंदा जगह भी बड़ी घट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी घट है उसके करी कोई अगर उपर इत प्हाड़ी इलाका कोई एक्सीडेंट हो जाता कोई उपरा डिगदा धारा का तो असें बड़ी प्रॉब्लम पौंदी इमीजिएटली उसी असें टिकरी लेना होंदा। अस ये रिक्वेस्ट करगे मीडिया के थ्रू थोड़े थ्रू के ये जड़ी बिल्डिंग है इसी जल्दी कोला जल्दी बनाया जा और इतें एक डॉक्टर जेड़े कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जेड़े उन्हें परमानेंटली इतने लगाया जा ताकि लोग जेड़े वो उन्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पवे। बिल्कुल ये सारी दिक्कत इतने दियाँ तो सारे इतने के लोकल लोग हैं जो अपनी गल दसा दे और भी लोग हैं। तुम्हारा क्या नाम है सर? सर मेरा नाम विनोद कुमार दुबे। विनोद जी जियाँ रिटायर BDO साहब ने अपने इलाके की पूरी दसियाँ ZDO साहब ने तो तुस भी के ऐड करके और अगर नवी DC साहब भी आए दी मैडम और आए दी रियासी थमां हूँ इतने आई दी बड़ी डिवेलपमेंट कराई उत्थे भी तो हूँ उधमपुर के लोग भी सोचते हैं कि हूँ साढ़े पास भी थोड़ा जहा डिवेलपमेंट होग
और तुहाड़े इस इलाके की केह तुस गल रख सर। मैं सारे पहले तुसें एक तो थोड़ा वेलकम करगा कि अज तुस साढ़े इलाके अंदर जेहड़े मीडिया तुस अज ते आए हो ते इस तरीके कन्नै मैं समझना कि अस धनपियां दे लोग बड़े भागले लोग हैं कि थोड़े लोग अज ते आए और असीं मेद है पूरे तरीके कि तुस साढ़ा जेहड़ा इस इलाके का मैसेज जेहड़ा है वो तुस डीसी साहब तक भी पजागे और उपर हाईकमान पर भी मैसेज पजागे। सर सारे को बड़ी इतने जी मेन प्रॉब्लम इस टाइम आवा दी इस को पहले तो टूरिज्म वाला सिस्टम है गया हा कि अजय नंदा जी का टाइम इस वेल 5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो आया हा मगर नुहाड़े कोई 70-80 लाख रुपया लगे और 70-80 लाख के बाद पैसा जो टोटल लैप्स हो उस बाद कोई कम नहीं होया। मगर इस वेल जी इस तुम पंजाब की मेन जी प्रॉब्लम आवा करती है वह प्रॉब्लम आवा करती है जी हेल्थ सेंटर क्योंकि हॉस्पिटल जोड़ा इधर का है ये जी बिल्डिंग है जो टोटल तरीके अनसेफ हुई दी और जोड़ा इस सा जो तुम पंजाब का जो अनसेफ जी बिल्डिंग है ये एक ऐसी बिल्डिंग ही जिदे पिछले एक नहीं कम से कम भी इतने 40 में जो अपने 10-15 पंचायत जी करसनी है वो सारे लोग साढ़े इस हॉस्पिटल पर डिपेंड है। मगर अज यह प्रॉब्लम बनी चुकी थी कि अगर इतने कोई बंदा बीमार हो जाता है इमीडिएटली तो बस बड़ी कई बार इसे कैजुअलिटियाँ ऐसा हो जाएँ कि जी हॉस्पिटल की वजह करने का सारा इतने जो है किश नहीं करी सकते। सर मैं सारे को पहले डीसी मैडम को थोड़े कहने और हाईकमान अगर मैं अपील करूँ कि सारे को पहले जो भी होंगे इमीडिएटली इस जो हॉस्पिटल का काम जो शुरुआत शुरू किया जा उस तो बाद सर सा एक जो इधर का सारा मेन पवान है जो इस वे सा अपना पुल है जो दुद्ध पुल है इसकी वजह कहने सारे जो इलाके हैं खास कर रैंबल टू अपने बांसा मोड़ तक इलाके जिन्हें भी जो इलाके पाते हैं क्योंकि एक ऐसा कनैक्टिविटी है कि इस पुल के थ्रू का रोआर पार जी सारी गड्डियां आदि और जो पुल जो है हालांकि ना टेंडर लगी चुके मगर कम जो है वो बहुत ही लेट डे बाय डे जो कम जो लेट हुआ करता और जिन्ने चिर तक पुल नहीं सन बना चुका साढ़े जो रोआर पार की कनैक्टिविटी है सारी जी खत्म हो चुकी थी। उस तो बाद सर साड़ी एक इतने बिल्डिंग है जी अभी असें अनसेफ हो चुकी पूरे तरीके और बच्चे जोड़े हैं बिल्कुल रिस्कपूर्न ये चीज़ है जी साड़ी उपर जी बिल्डिंग है ये आज दी नहीं कई दिन की अनसेफ की है। सर मैं डीसी मैडम जी थोड़े को थोड़े थ्रू मैं ये आखना चाहना कि हाईकमान की मैं ये आखना चाहना कि जो बच्चे पर जो बड़ा भारी रिस्क है और इस बिल्डिंग का अनसेफ ही हो चुकी है इस जिन्हें को जल्दी और जल्दी से डिसमेंटल करिए इस बिल्डिंग की दूसरी न्यू बिल्डिंग जी है वह बनाई जाए ताकि हायर सेकेंडरी जो सा कामयाब है। बिल्कुल ये सारिया दिक्कत न इतने दियाँ और ये जो इलाका है मैं तो सारे लोगों की अपील करगा इस वीडियो की तुम लोग शेयर भी करो ता जे साढ़े गवर्नर साहब तक भी ये वीडियो पुजे तो कन्ने कन्ने जे डीसी मैडम होर आई दियां इंदू चिब होर उनके कोल भी ये पूरी गलबात पुजे इनके लोकल लोगों के राहे। सर थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण सिंह है सर। जी जी मैं रिटायर्ड टीचर हूं सर जी। गल है कि यह दिखो एक मिनी कश्मीर है सर दिखो तुम ये चिनार के बूटे दिखो इे श्रीनगर चिनार बूटे इतने भी लगे दे महाराज गल बूट उपर भी ला दे बूटे अगर इसी इलाके थोड़ा जहा जो कि पैसे सेंक्शन होए 5 करोड़ रुपया आखते वो तक यह रुपया लगे 4 करोड़ रुपया पता नहीं लगे कुत्थे गया अस ये चाहते कि यदी डिवेलपमेंट होए ताकि आखते झाटी भी बनने लोगों रोज़गार मिले। बाकी गल है अस्पताल का जनाब दिखो गल है बिल्डिंग डिग्गी डुगी नहीं है लेकिन अनसेफ क्लीयर की थी और शिफ्ट होते 10-12 साल हो गए लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती सर गल इतने त्रै पोस्टा ही डॉक्टर डिगस्टेड अफसर अज इतने एक डॉक्टर भी नहीं एक दफा गल कि लाल सिंह हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर इं कुदरती इतने बैठे दे में उन्हें फोन किया महाराज इतने एक मेडिकल असिस्टेंट भी नहीं तो उस CMO ने फोन किया CMO साहब उस ज्ञान होने ले आए इतने लिया कुस किता फोन मामे किता महाराज असें जरूरत है इतने डॉक्टर होना चाहिए लोग सफर करते तो ज्ञान और दते बाद कोई डॉक्टर नहीं आया MBBS डॉक्टर इतने गस्टड अफसर थे एलोपैथ का बखरा आयुर्वेद का बखरा तो हूँ दिखो महाराज इन्ना चिर कोई सुनवाई गै नहीं होंगी कई दफा असें कोशिश करने अज मैं इं गल करा विनोद हुंदे कन्नै ये बड़े इंटैलीजेंट आदमी मैं इस पैन साहब कन्नै गल की महा महाराज गल है कि ना स्कूल की सारी बिल्डिंग बड़ी खस्ता है बच्चे पढ़ाई सफर करे बच्चे पढ़ी जाग तो सारी नेशन बनती है महाराज पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है सेहत भी जरूरी है ये अस्पताल भी बनना चाहिए तो स्कूल वास्ते महाराज जरूरत चीज देनी चाहिए। बाकी अजियाँ पुल ले आखा दे पुल महाराज जाइए तो दिखो ना कदम अस्ल पल साइड दोनों साइड पर इन्नी तंग सड़क है शाबाश उन्होंने ड्राइवर लोगों के जिस तरीके गड्डी लेंदे बारे कल में आवा दा हा तो गड्डिया उलटने वाली हुई मैं क्या तुम्हें भाई गल कि इतने गड्डी चलाई आ उसी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ये बड़ा एक्सपर्ट आदमी गड्डी क्ढी सकता तो वो महाराज बनी आ बड़ी अच्छी गल है लेकिन कोई डिपार्टमेंट ने इन्ना ढिला काम है कि वह पुटिया जरूर पहले लोग मोटरसाइकिल ले जाते वो उपरा गाड़े शाड पुट उड़ते तो उन्होंने जान बड़ी मुश्किल बनी ये जो सना दे तुम्हें दिखो सीन ब्राह्मणा सुंदराणी
जंगल तक लोग मुतल समोल इत जाते लोग गल है थोड़ा किराया सस्ता पौधा उं लंबा रस्ता ये बनी गया महाराज बड़ी बढ़िया गल है। बाकी कटरा पहले गड्डिया जी उधमपुर अज महाराज हूँ दिखो इतना दौ त्रा गड्डिया बदलना पड़ी इतना पहले अस जाना थाती जा रैंबल रैंबला दू ग बनना अगर पुल बनी गया महाराज सीधे डायरेक्ट कटरा गड्डिया जाए ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्हूलत हो लोगों की काफ़ी स्हूलत होंगी महाराज गल ए वास्तव साड़ी जी थोड़े अगे सुधा साड़ी जगह बात है उपर अस जम्मू जाते पता नहीं लगती असें पता ही नहीं लगती क्या मिलना टाइम लगेगा उनके कन्ने तो तुस आए बड़ा धन्यवाद है थोड़ा तो ये साड़ी गल भजाओ डी सी साहब को भी अस जागे नहीं अं आखता रहा तो सारे लोग जान तो जाना काम बारे तो तुम्हें भी उन्हें ताकि डी सी साहब भी आखना और गवर्नर साहब भी आओ उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल जी उन्दे तक गल पजाने कि इतने भाई बड़ा पिछड़ा इलाका तो यदि डिवेलपमेंट की जा बिल्कुल शुक्रिया अदा करने दिखी लो तो जनाब से सीनरी ऐसे सोहने बूटे लगे दे उपर चश्मा दिखो अट्ठ कोना चश्मा बनना शायद स्टेट बिच एडा बड़ा चश्मा तुम्हें कुदा नहीं लब्भे बिल्कुल ये सारी इधर के लोगों की मेन दिक्कत आ दी तो मैं भी अपील करगा डीसी मैडम होरें गी कन्नै लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कि इतने स्कूल की प्रॉब्लम है बिल्डिंग डिग्गा दी है दूआ साढ़े इतने जिहड़ा हॉस्पिटल बने दा उहदी प्रॉब्लम है उहदी डिस्पेंसरी जिहड़ी बनी दी है लोगों की इलाज लई बाहर जाना पौंदा दूआ जिहड़ा ये बोलियां बनी दियां ते बोलियां दी हालत उहदे सामने है कि कंडीशन होई दी इत्थे दी ते इंदा अगर टूरिज्म विभाग देखे तो इस सारी चीज़ का जिहड़ा पूरा मामला हो सकता है। बाकी तुस लोग देखते रहो जेके मीडिया इस वीडियो की जरूर शेयर करो और जिहड़े लोग इत्थे दे रहण वाले जरूर इस वीडियो की शेयर करन। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। देखो मेरी